नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो अब हम अपनी अगली पेंटिंग जो कि है चांद बीवी प्लेइंग पोलो, जिसे हम चौगन के नाम से जानते थे, इसको देखने जा रहे हैं। तो पेंटिंग का नाम आपको पता चल गया भाई, चांद बीवी प्लेइंग पोलो। पेंटर इसमें भी अननोन है भाई, पता नहीं कौन है नहीं है। मीडियम है इसका वाटर कलर ऑन पेपर। बना ये 1750 AD में, सब स्कूल था गोलकोंडा। टेक्निक टेम्परा, रखा गया है नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि द मिनिएचर वाज पेंटेड इन गोलकोंडा स्टाइल बाय एन एनिमनस पेंटर इन 1750 AD। कई सारे पेंटरों के द्वारा 1750 AD में चांद बीवी प्लेइंग पोलो नाम की जो पेंटिंग थी बनाई गई। इन दिस पिक्चर चांद बीवी एंड थ्री अदर फीमेल प्लेयर्स हैव बीन शोन प्लेइंग पोलो इन रॉयल ड्रेसेस माउंटेड एंड हॉर्सेस। कह रहा है कि चांद बीवी और इसके अलावा भी कई सारे प्लेयर्स क्या खेल रही है, पोलो खेल रही है, जो कि रॉयल ड्रेस पहन रखी है, माउंटेड है यानी कि और हॉर्स पे बैठी हुई है, कुछ इस तरह से। देखें सामने है आपके, है या नहीं है। ओके चलें आगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि द ड्रेस एंड हॉर्स ऑफ ऑल प्लेयर्स हैव बीन पेंटेड विथ डिफरेंट कलर। जितने भी प्लेयर हैं उनके ड्रेस अप देख ले, उनके हॉर्स के कलर्स देख ले, क्या सेम है? जी नहीं, बिल्कुल अलग अलग है। इन द फोर ग्राउंड ऑफ द प्ले ग्राउंड हैज बीन सोन अ सोर्स ऑफ वाटर इन विच सेवरल वाइट कलर्स बर्ड्स एंड फ्लावर्स ऑफ रेड एंड ब्लू हैव बीन सीन। कह रहा है कि इस पे अगर देखा जाए इस पेंटिंग में, तो यहाँ पे पानी में पानी है, उस पानी के आसपास देखे तो कई सारे क्या है, बर्ड्स भी दिखाई गई है, उसमें कई सारे फ्लावर्स भी दिखाए गए हैं। तो यही कह रहा है, द हिंट पार्ट ऑफ द ग्राउंड इज फिल्ड विथ ग्रीनरी एंड इवन वेयर एज द मिडिल पार्ट ऑफ द ग्राउंड वर द प्लेयर्स माउंटेड ऑन हॉर्सेज हैव बीन सीन इन प्लेइंग पोज इज वेरी अनडल्टिंग एंड हिली। कह रहा है कि इसमें देखें तो बाकी का जो कलर है इस हिली, मतलब कहने का यह है कि इस पेंटिंग में जो देखा गया ग्रीन कलर्स है, ठीक है, बट अगर दूसरी तरफ ये भी देखा जाए तो इसमें बाकी जो जगह है उस पर क्या है, प्लेयर्स हमारे हॉर्सेज पे बैठे हुए हैं और पोलोज खेल रहे हैं। ओके चले आगे। उसका कह रहा था प्लेयर्स माउंटेड ऑन व्हाइट एंड येलो हॉर्स आर फेसिंग ईच अदर एंड दे हैव बीन सोइंग ट्राइंग टू कंट्रोल एंड व्हाइट बॉल विद देयर स्टिक्स। कह रहा है कि जो बेसिकली व्हाइट और येलो कलर के हॉर्स है, ठीक है, उस पर जो मतलब प्लेयर्स बैठे हुए हैं वो व्हाइट बॉल को अपने कब्जे में करना चाह रहे हैं, ठीक है। वेयर एज द अदर टू वोमेन हॉर्सेज आर फेसिंग ईच अदर बट देर इज अ सफिशियंट डिस्टेंस बिटवीन देम। कह रहा है कि वो दोनों भी जो बेसिकली बाकी के जो दो घोड़े हैं उस पर जो सवार औरतें हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो भी एक दूसरे को फेस करना चाह रहे हैं, बट एक्चुअली में वो दोनों अभी काफ़ी आपस में दूर हैं, ठीक है। ऑल द फोर हॉर्सेज हैव बीन सोन हेल एंड हर्डी एंड डेकोरेटेड। कह रहा है कि जितने भी हॉर्स हैं उन सब को अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है। वन अदर प्ले कंट्रोलिंग लेडी हैज बीन सोन लिफ्टिंग हर हैंड्स अपवर्ड्स इन द बैकग्राउंड अ ह्यूज फोर्ट एंड इट्स रिम पार्ट हैव बीन सोन। कह रहा है कि एक और जो प्लेयर, एक लेडी है जो क्या कर रही है, इन सबको गाइड कर रही है बेसिकली, कि हाँ जैसे अंपायर होता है ना, वो अंपायर का काम कर रही है। और इसके बाकी बैक साइड में देखे तो कई सारे क्या है, अंपायर को दिखाया गया, एम्पायर मतलब यहाँ के राज्य साम्राज्य को दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द सन हैज बीन सोन इन द स्काई विथ येलो कलर। यहाँ पर जो सन है उसको कैसे सन इस मतलब येलो कलर का इस ब्लू स्काई के अंदर, ये भी दिखाया गया। इन द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द पेंटिंग वाइड मार्जिन्स विथ ग्रीन एंड येलो कलर हैव बीन सोन। इस पेंटिंग के देखा जाए अगर साइड में तो कह रहा है कि किससे, यह देखिए वाइट और ये कुछ येलो ही कलर से क्या बनाया गया है, मार्जिन बनाई गई है। उसके बाद कह रहा है कि इन द मिडिल ऑफ द मार्जिन इन येलो पार्ट हैज बीन ड्रॉन कैलजिक वर्ड। कह रहा है कि जो मिडिल पार्ट में देखे तो क्या कैलजिक वर्ड में ये येलो कलर भी दिया गया है, यहाँ हर देखे पेंटिंग में ध्यान से तो है या नहीं है। ओके उसके बाद कह रहा है कि विथ ब्लैक कलर इन पर्सियन स्टाइल, और बाकी का जो कलर है ये बेसिकली ब्लैक है, इसके बीच में येलो कलर दिया गया जो कि ब्लैक कलर है पर्सियन स्टाइल में है, और येलो कलर जो है बेसिकली आपका क्या है, कैलीग्राफिक वर्क है। समझ आया, ये था आपका बेसिकली इस वीडियो में यानी कि इस पेंटिंग में जो कि है चांद बीवी प्लेइंग पोलो चौगन। ओवरऑल ये था आपका ये पेंटिंग, इम्पॉर्टेंट पेपर के हिसाब से है, ठीक है, तो कर लीजिए इसे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पेंटिंग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।